स्टॉप विशिंग स्टार्ट डूइंग। हेलो डियर फ्रेंड्स, माइसेल्फ डॉक्टर श्रीकांत वर्मा, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अवर कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड सेशन ऑफ एनाटॉमी। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अवर शोल्डर एरिया स्कैपुलर रीजन। यस, हियर इज द वन एक्टिव डेमो फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज द बोन स्कैपुला एंड दिस इज अनदर बोन ह्यूमरस। स्कैपुला में ग्लेनॉइड कैविटी होती है which is articulating with the head of the humerus. Both are articulating together. So, there is the flexion, extension, abduction, adduction, combination of the different movement, circumduction, this all occurs. तो हमारा जो head of humerus है, वो glenoid cavity के अंदर में घूमता है. Around the glenoid cavity, around the shoulder joint, there are the certain muscle, SITS, sits करके हम याद करते हैं. supraspinatus, infraspinatus, teres minor and subscapularis, जिसके अंदर ये head of humerus rotate करता है, इसीलिए इन muscles को हम rotator cuff कहते हैं। अगर हम इस rotator cuff को अच्छे से समझ जाते हैं, scapular region को समझ जाते हैं, तो shoulder joint की कई सारी बीमारियां आसानी से समझ में आती हैं। बीमारियां जब समझ में आती तो उसका इलाज आसानी से समझ में आता है। इसलिए anatomy हर science का, हर medical science का बिगनिंग पॉइंट है। सो लेट्स स्टार्ट द डाइसेक्शन ऑफ द स्कैपुलर रीजन। व्हेन वी गिव इंसिजन ओवर दिस स्कैपुलर एरिया, डेफिनेटली द फर्स्ट लेयर विल बी स्किन। जस्ट बिलो द स्किन यू विल बी एबल टू सी द सुपरफिशियल फेशिया। जैसे ही सुपरफिशियल फेशिया को कट करेंगे, यहां पर डीप फेशिया नजर आएगा एंड आफ्टर द डीप फेशिया यू विल बी एबल टू सी द मसल्स। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर एक डेल्टा शेप की मसल आपको नजर आती है, क्योंकि ये डेल्टा शेप की है। फिजिक्स में डेल्टा ऐसा लिखते हैं, यस, इट इज इनवर्टेड डेल्टा शेप, जिसको आप फील कर सकते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राउंडेड कंटूर ऑफ शोल्डर। इट इज रिसेंट योर INICT एंड द नीट PG क्वेश्चन। यस, इट इज इनवर्टेड डेल्टा शेप इन स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई डेल्टा। फिर आगे की जो मसल है उसको आप SITS करके याद रख सकते हैं। यहां पर हम T को स्मॉल लेटर से शो कर रहे हैं। दीज आर द वर डिफरेंट मसल्स। यस, एक जो है हमारे स्कैपुला के स्पाइन के ऊपर रहती है, इसलिए इसको हम कहेंगे सुप्रा स्पाइनेटस। सिंपल, ब्रेक द नेम एंड गेट द आइडिया। अगली मसल हमारे स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे से ओरिजिन होती है, दैट्स व्हाई वी विल से इंफ्रा स्पाइनेटस। एग्री सर। अगली मसल जो है वो राउंडेड होती है, इसलिए इसको हम टीरिस कह रहे हैं, और ये छोटी मसल होती है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द माइनर। ब्रेक द नेम एंड गेट द आइडिया। एग्री। अगली मसल जो है वो स्कैपुला के सब स्कैपुलर फोसा से आगे से ओरिजिन होती है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द सब स्कैपुलेरिस मसल। सो इन दिस वे यू कैन सी टोटल देयर आर 5 मसल्स। Let's start the three-dimensional orientation of this muscles. You can see the upper limb. Here is one big delta-shaped muscle. Can you see? It is having the anterior fiber, middle fiber, posterior fiber. Yes, it is taking origin from the clavicle part, acromion process part, and spine of scapula getting insertion into the deltoid tuberosity. Agree, sir. Now, catch this point. जैसे हम इसको dissect करते हैं, तो scapula के पीछे, can you see? Yes, just like the Tony Stark, just like the Iron Man. Imagine कीजिए, ये scapula है, this is our spine of scapula. So one muscle is taking origin just above the spine of scapula. Getting the point? तो ये muscle क्या नाम होगा? Supra spinatus. अगली muscle को देखते हैं. Yes, this particular muscle is just below the spine of scapula. क्या नाम देंगे? Infra spinatus. The next muscle is our rounded and it is small, so that's why it is teres minor. याद रखेंगे कि teres major muscle just इसी के जैसी है. It is rounded but big, लेकिन ये हमारे shoulder joint की तरफ नहीं जा रही है, rotator cuff की तरफ नहीं जा रही है. That's why it is not the part of rotator cuff. Many time repeated question. और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, this is our subscapularis muscle which is located in subscapular fossa. So these are the our very easy way to learn the anatomy with the proper three-dimensional orientation. इसके बारे में और भी डिटेल चीजें हैं, एक एक क्लिनिकल पॉइंट हम पढ़ेंगे हमारे डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस ऐप में।
सो डाउनलोड द ऐप एंड स्टे कनेक्टेड, और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जहां हम डेली डाउट डिस्कशन भी कर रहे हैं. एंड एट द लास्ट फ्यू मोटिवेटिंग लाइंस फॉर ऑल ऑफ यू, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल. Get the best education with Dr. Shrikant Varma classes. Wish you all the best from my side and also from Dr. Shrikant Varma classes. नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चेतन भगत डॉक्टर श्रीकांत वर्मा सर के सभी स्टूडेंट्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ.